जस्ट वेलकम बैक माय चैनल सो फ्रेंड्स, आज है मेरे साथ पंजी और आज हम लोग आपको दिखाएंगे कि नैनीताल में किस तरीके का वेदर है और क्या क्या हो रहा है नैनीताल के अंदर, टूरिज्म कैसा है और बाकी आपको पंजी बताएंगे। अभी चढ़ाव भी तो नवरात्रि से चढ़ाव भी चढ़ेगा, नौकायन भी चालू होती है। इस दौरान जैसे आप देख रहे होंगे कि भीड़ सब बढ़ रही है नैनीताल, अब आने वाले नवंबर दिसंबर तक भीड़ पूरा एरिया कतार में बढ़ती रही। जी जी जी, और सीजन एकदम अपने चरम पे हो। सो फ्रेंड्स, हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं नैनीताल के वेदर के बारे में और किस तरीके का टूरिज्म नैनीताल में है, कितनी भीड़ है और क्या क्या हो रहा है। आप देख सकते हैं इस समय हम ठंडी सड़क के पास है और यहाँ पे ताल में जो है दो बोट आप देख पा रहे होंगे। मुझे लग रहा है ये आपस में कॉम्पिटिशन कर रहे हैं फर्स्ट सेकेंड आने का। और देखिए धीरे धीरे अब हम नैनीताल की तरफ को जा रहे हैं और सामने पंजी यहाँ पर को जो है व्लॉग शूट कर रहे हैं और कुछ ये बोट्स जो है नैनीताल से नैनीताल की तरफ जा रही है। और जो दो सामने आप ये रंगीन बोट देख रहे हैं, ये कुछ ऐसी लग रही है जैसे कि मानो देखते ही बनती हो। और ये जो है बोडास क्लब से निकलती है, ये जो दो बोट है इन्हें बोट विंड बोट बोला जाता है। और ये धीरे धीरे करके नैनीताल की तरफ को जा रही है। और देखिए कुछ बदक वाली बोट आपको देख रहे होंगे, ये पैडल बोट है यहाँ की। ये भी सब सारी बोट का जो टिकट है कुछ डिफरेंट है। ये नैनीताल का बोट स्टैंड, यहाँ से जो है ये नैनदेवी मंदिर के सामने है के बैक साइड पे, और यहाँ से भी जो है लोग वोटिंग के लिए जाते हैं, यहाँ पे टिकट लेते हैं। और इस समय हम लोग आ गए दूसरा वोट स्टैंड जो कि रिक्शा स्टैंड के समीप है, और यहाँ से भी जो है वोटें निकलती है। तो आप देख पा रहे हो किस तरीके का वेदर है और मौसम काफ़ी साफ हो चुका है, धूप भी अब आ चुकी है, अच्छी सी धूप आप देख पा रहे हैं। और टूरिस्ट लोग काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं इस वेदर का और हमने भी काफ़ी इंजॉय किया। और हम आ चुके हैं बोट हाउस क्लब के पास। आप तो देख पा रहे होंगे ये जो है आपका रिक्शा स्टैंड के समीप है और यहाँ पे को आप देखो हरे भरे पेड़ पौधे ग्रीनरी आप देख पा रहे हैं, क्योंकि ये जो है यहाँ पे को काफ़ी सुंदर लगता है। नैनीताल जो है आपका ग्रीनरी से भरा रहता है, तो इस समय जो नैनीताल में क्राउड अच्छा है और घूमने का काफ़ी अच्छा है, तो आप लोग आ सकते हैं और अपनी फैमिली के साथ आइए और इन्जॉय कीजिए इस वेदर को, ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा, काफ़ी अच्छा मौसम रहता है नैनीताल का इस समय। और क्योंकि इस समय पब्लिक बढ़ रही है तो आप इस समय आके इंजॉय कर सकते हैं।